खबर आजमगढ़ बुढ़नपुर से। जनता तहसील बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुढ़नपुर के पत्रकार संघ के लोगों ने अधिवक्ताओं के साथ बलिया में हुए 3 पत्रकारों पर उत्पीड़न के मामले को लेकर के पूर्व अध्यक्ष मिथिलेश सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आइडियल जर्नलिस्ट के पत्रकारों ने तहसील संरक्षक आशीष पांडे के नेतृत्व में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, साथ में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि 5 सूत्री मांग को लेकर के अधिवक्ता और पत्रकार संघ ने साथ मिलकर तहसील परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। पत्रकारों की मांग है कि बलिया में पत्रकारों के साथ हुए दुर्व्यवहार किए जाने को लेकर के डीएमएसपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पत्रकारों के साथ मानसिक एवं सामाजिक उत्पीड़न जो किया गया है उसका मुआवजा दिया जाए। तत्काल प्रभाव से पत्रकारों को रिहा किया जाए। पत्रकारों को न्यूज संकलन में पूरी आजादी हो। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की गरिमा बनी रहे। मामले की जांच हो। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। इस अवसर पर अधिवक्ताओं ने एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहे, साथ ही चेतावनी दी, अगर हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हम अधिवक्ता संघ पत्रकारों के साथ हैं। उनकी लड़ाई के लिए हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। पूर्व मंत्री सूर्य प्रकाश यादव ने कहा कि बलिया प्रशासन पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। अपना काला चिट्ठा छिपाने के चलते सारा दोष पत्रकारों के सर पर मढ़ने का काम किया है। पत्रकार संघ ने संरक्षक आशीष पांडे ने कहा कि अगर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी पत्रकार चुप नहीं बैठेंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस संबंध में उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद ने बताया कि पत्रकारों द्वारा 5 सूत्री मांग पत्र जो राज्यपाल के नाम पर दिया गया है उसे शीघ्र ही राज्यपाल महोदय के यहाँ भेजकर मामले का निस्तारण कराने की बात कही। हम पत्रकारों का सम्मान करते हैं, बलिया में हुई घटना की निंदा करते हैं। इस मौके पर संतोष सिंह, देवेंद्र सिंह, आलोक मिश्रा, संतोष मिश्रा, अरविंद सिंह, राजेश सिंह, विनोद राजभर, राजू, रविंद्र साहू, अजय यादव, आकाश विजय, अमित देवानंद गिरी, मटरू यादव, जगत नारायण तिवारी, आद्या प्रसाद यादव, राजकुमार सिंह, सर्वेश लाल, प्रकाश यादव, कपिल देव, सर्वेश लाल, डब्बू चौबे, पंकज श्रीवास्तव, बलराम यादव सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सर बोले, चलिए पहले सभी पत्रकार बंधुओं और अधिवक्ताओं को अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं। मैं आशीष पांडे, बुढ़नपुर आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन का संरक्षक, एक संरक्षक होने के नाते आपके यह एकजुटता और जो बलियाम हुए पत्रकार उत्पीड़न के मामले में पहले हम सबकी का आभार व्यक्त करते हैं कि आप लोगों ने अपना निजी समय, अपना काम छोड़ करके ऐसे समय में आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत अच्छी बात। हम उसके बाद कहते हैं कि जो बलिया में प्रशासन द्वारा पत्रकारों के उत्पीड़न किया गया, 3 पत्रकारों के साथ उत्पीड़न किया गया, ऐसे मामले बड़े ही निंदनीय हैं। सामाजिक तौर पर देखा जाए तो ऐसे कार्य जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज के समय में ऐसे परिवेश में अगर पत्रकार ही अपने कलम और अपने मतलब की भावनाओं को, लोगों की दबी आवाज़ों को अगर प्रकाशित नहीं करेगा, समाज में घटित घटनाओं को प्रकाशित नहीं करेगा, उसको उस पर प्रशासन का अगर पहरा लगेगा तो ऐसी स्थिति में समाज किस दिशा में जाएगा ये आप सोच सकते हैं। और बेलगाम हो चुके हैं इस सरकार में अधिकारी कर्मचारी, इनके रवैये ठीक नहीं हैं। ये अपने मंसूबे पे कामयाब होना चाहते हैं कि पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे डाल करके और पत्रकारों को किसी तरह से अगर फंसा देंगे तो इनके हौसले पस्त हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं, मतलब हम लोग का हौसला पस्त नहीं होने वाला है। हम लोग निस्वार्थ काम करते हैं। अगर कोई मामला होता तो उसको हम प्रकाश में लाते हैं तो हम जान जोखिम में डाल कर लाते हैं। हमारा कोई पक्ष विपक्ष नहीं होता, न हम किसी को सताने का काम करते हैं, बल्कि हम जिसका जो दबे कुचले हैं उनकी आवाज़ को हम उठाने का काम करते हैं, उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में पत्रकारिता एक चुनौतीपूर्ण हो चुकी है। अगर बलिया में पेपर लीक हुआ तो किन कारणों से हुआ इसका लोग पता नहीं लगाए। डीएमएसपी सीधे जो पत्रकार खबर छापे उन्हीं को फंसाने की बात की। तो हम लोग 5 सूत्री मांग पर आज बुढ़नपुर तहसील में अधिवक्ताओं के साथ हमारा विरोध प्रदर्शन हुआ। हम लोगों ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन उपजिलाधिकारी नवीन प्रसाद को सौंपा, जिन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से आपकी मांगों को हम राज्यपाल तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हमारा संगठन जो है, जब तक जो 3 पत्रकार बंद हैं, जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और बुढ़नपुर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से एक दिन का विरत रखने का भी निर्णय लिया है और पत्रकार संघ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का भी साथ दिया है। इन चीज़ों के लिए हम फिर अधिवक्ता बंधुओं को, अपने पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। आज पत्रकार बंधुओं की तरफ से मुझे एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें बलिया में जो पेपर लीक हुआ था उस प्रकरण में कुछ पत्रकारों के साथ आप लोगों का जैसा कहना है कि उनके साथ पुलिस प्रशासन का व्यवहार उचित नहीं है और गलत तरीके से फंसाया गया है,
तो मैं आप सभी को आश्वासन देना चाहूँगा कि इसमें सरकार निष्पक्ष रहेगी और किसी भी गलत सही आदमी को गलत तरीके से नहीं फंसाया जाएगा। और आप लोगों द्वारा जो राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है उसको मैं आज ही उचित माध्यम से उसको सक्षम अधिकारी तक भेजने के लिए कार्रवाई करूँगा।